तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, बहुत सारे लोग का मुझसे एक सवाल है कि भाई मौज फॉर क्रिएटर क्या है, क्योंकि भाई मौज फॉर क्रिएटर में अगर आप लोग सेलेक्ट कर लिए जाओगे तो भाई आप मंथली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो भाई आज की इस वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि भाई मौज फॉर क्रिएटर क्या है और इसमें आप कैसे सेलेक्ट किए जाओगे और कौन कौन से बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि भाई 1000 में से सिर्फ 1% ही बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, आई मीन 1000 में से 10 ही बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो भाई मौज फॉर क्रिएटर में मैं तो सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो भाई मैं आपको भी सेलेक्ट करवाऊंगा और आपको भी मैं पैसे कमवाऊंगा मौज से 100%, या आप लिखित ले लो। तो भाई इसी बात पर आपको चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलता रहेगा, मौज से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पर नई नई मिलती रहेगी। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीरो से लेकर मैं ऊंचे लेवल तक लेकर जाऊंगा, जैसे आप मौज अभी डाउनलोड किए हो और आपके जीरो फॉलोअर हैं, तो आप मौज फॉर क्रिएटर में मान लिया अभी फॉर्म भरोगे, मैं आपको भरना भी बताऊंगा। उस फॉर्म को भरने के बाद सेलेक्ट होने तक का पूरा सफर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो चुका हूं। और मौज फॉर क्रिएटर में जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो, मतलब 30 दिन आपको बीच में मिलते हैं सेलेक्ट होने के लिए, जब आप फॉर्म भरोगे और सेलेक्ट होने तक के बीच का गैप होता है 30 दिन, तो उन 30 दिनों में आपको क्या करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर लिए जाओगे। तो भाई इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मौज फॉर क्रिएटर की फुल डिटेल बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो भाई आप मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट हो जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं यहां पर आपके लिए बनाता रहता हूं इस चैनल पर सबसे पहले। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको प्रॉपर जानकारी देते हैं। और भाई इस वीडियो के बाद अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट रहे तो भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आईडी स्क्रीन पर शो होती रहेगी, वहां पर आपके सारे मैसेज का रिप्लाई दूंगा अगर आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज करते हो। सो गाइस, अब हम सबसे पहले आपको अपना मौज का अकाउंट दिखा देते हैं जिसमें मैं सेलेक्ट हो चुका हूं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भाई मैं आपको सेलेक्ट करवा सकता हूं। तो यहां पर देखो, मैं सबसे पहले अपने अकाउंट पर आ चुका हूं। अब हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी मी वाले ऑप्शन पे, 3500 मेरे फॉलोअर्स करीब अभी हैं। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखो, मैं अपने मौज फॉर क्रिएटर पे क्लिक करूंगा, यहां पर MFC लिखा है, मौज फॉर क्रिएटर्स, तो इस पे क्लिक करूंगा। तो इस पे भाई क्लिक करने के बाद तो वेलकम टू मौज फॉर क्रिएटर, मतलब कि यहाँ पर भाई देखो मैं मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट हो चुका हूँ, तभी यहाँ पर कुछ गुब्बारे टाइप के यहाँ पर उड़वा दिए गए। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ होता तो भाई आपको कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट देखने को मिलता, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि वेल विदन इन हाफ डन, मतलब 30 दिन दिए जाएंगे, फिर आपका डेली बाय डेली एक एक दिन घटता रहेगा। तो आपको 29 दिनों में क्या करना है मैं अभी वो भी बताऊंगा, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर दूसरी चलूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है और आपको फॉर्म भरने के बाद क्या क्या करना है ताकि आप सेलेक्ट भी हो जाओ। पहले देख लो कि भाई अगर आप मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, व्हाट इज इन स्टोर। यहाँ पर देख तो आपको परफॉर्मेंस इनसाइट देखने को मिल जाएंगे कि आपके कितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं, डेली लाइक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर इनसाइट दिख जाएगा। और यहाँ पर देख तो आपको एक बैज मिल जाएगा आपके प्रोफाइल पे, यहाँ पर ऐसा कुछ बैज मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर जब आप रेगुलरली वर्क करते रहोगे मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट होने के बाद। बाकी यहाँ पर देखो, इन्वाइट एक्सक्लूसिव क्रिएटर इवेंट, पर आपकी प्रोफाइल अच्छा खासा ग्रो करने लगेगी मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट होने के बाद, तब आप भाई इनवाइट किए जाओगे जो कि क्रिएटर्स इवेंट मौज कराएगा, उसमें आप बुलाए जाओगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ मौज, आपको मौज से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, आपको मौज का व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जब आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। अब यहाँ पर आपको गिफ्ट फ्रॉम मौज, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे MFC में तब आपको मौज की तरफ से गिफ्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप अच्छे से वर्क करोगे रेगुलरली तब आपको मौज गिफ्ट भी भेजता रहेगा। देखो आपको अर्ली एसेस न्यू मौज फीचर, जो न्यू फीचर मौज लाएगा वो आपको अर्ली मिल जाएंगे, आपको इजिली मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर हफ्ते में कमाई होगी मिंट्स के थ्रू, जो कि आप मिंट्स कमाओगे, जो कि मैंने कमाए भी थे, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अर्न विद ब्रांड कोलैब, यहाँ पर जब आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल ग्रो करने लग जाएगी तो आपको ब्रांड प्रमोशन मौज खुद दिलवाएगा, आपको स्पॉन्सरशिप मौज खुद दिलवाएगा। यहाँ पर देखो, अर्न विद द क्रिएटर रेफरल प्रोग्राम, यहाँ पर अभी आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 5 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मिल जाते हैं, कुछ स्पिन वगैरह मिलते हैं। जब आप इसमें सेलेक्ट कर लिया जाओगे तब आपको 500 रुपये मिलेंगे पर रेफर के, वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, उसका भी थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है, तो भाई उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो, कमेंट करो मैं आपको बता दूंगा कि आप पर रेफर 500 रुपये मौज से कैसे कमाओगे। अब यहाँ पर बैक करने के बाद मैं आपको प्रूफ के तौर पर अपनी अर्निंग भी दिखा देता हूँ मौज की मिनट्स की तरफ से, जो मुझे मौज मिला है मिनट्स मिला है, मतलब यहाँ पर देख तो मेरी पहले हफ्ते की कमाई 436 मिनट्स है, मतलब 218 रुपये, अभी मेरी प्रोफाइल ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुई। तो भाई इतना कुछ आपने समझ लिया मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट होने के बाद आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप फिर से वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ना। तो एक चीज और देख लो भाई, यहाँ पर मुझे मौज का व्हाट्सअप का नंबर भी मिल चुका है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे मौज ऊपर ही दिख रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बता दिया गया था, मतलब कांग्रेचुलेशन टाइप का एक आया था, देखो लिखा है हेलो मौजी, मतलब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे मौज का व्हाट्सअप नंबर भी मिल गया। मौज से आप डायरेक्टली चैट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब मैं लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की दूसरी स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर जिसमें आपको फॉर्म भरने तक का पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा कि आपको भाई जिन जिन क्रिएटर ने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी उनको भी मैं बताऊंगा, जो लोग बीच में लटके हुए हैं, जैसे आपको कुछ कुछ दिन दिखाई दे रहा होगा वेल बिगन इन हाफ डन, कुछ 26, 27, 25, 20, 15 जितने भी दिन आपको बचे होंगे, उन दिनों में आपको क्या करना है ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर लिए जाओ
और आपको भी जो मुझे बेनिफिट मिले हैं वो आपको भी बेनिफिट मिलने लगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेन मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देखते रहना इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले MFC आपको मास्टर ऊपर ही दिख जाएगा, इस पर हम लोग करना है क्लिक। उसके बाद में देखते आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखते रहना अभी भी, क्योंकि भाई आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जेनुअनली कितने रुपए मिल सकते हैं मंथली जब आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। देखो भाई, आपको शो होगा एक यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन टाइप का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में भाई देखते आपको एक चूज कैटेगरी करने को आएगा। यहाँ पर देखते सबसे पहला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी के आप अपने मॉच पर वीडियो बनाना चाहते हो या फिर बना रहे हो, उसी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करना, क्योंकि भाई मॉच फॉर क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन क्रिएटर्स के लिए ही है। तो भाई मैं फनी वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं फनी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं फनी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हूँ और मुझे फनी भी पसंद है। तो यहाँ पर मैं कॉमेडी एंड फन सेलेक्ट कर लूंगा। आप जो भी वीडियो बनाते हो, जैसे आप एक्टिंग करते हो, किसी पर लिपसिंग करते हो, यहाँ पर आप एटीट्यूड वीडियो बनाते हो, या फिर और भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाते हो तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एजुकेशन वाली बनाते हो तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपका मन हो। तो यहाँ पर मैं अभी कॉमेडी एंड फन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखते हो आपकी कंप्लीट मॉच प्रोफाइल, आपकी मॉच प्रोफाइल पे आपका नंबर लगा होना चाहिए। यहाँ पर देखते हो मोबाइल नंबर इज नॉट अपडेटेड, क्योंकि भाई मेरा भी जीमेल से बना है, आप लोग भी अपना फोन नंबर से बनाना अकाउंट, तक तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ आ जाएगा। मैंने आपको बताने के लिए टेम्परेरी अकाउंट जीमेल से बना लिया। यहाँ पर देखते हो सबमिट वीडियो फॉर रिव्यू, आपकी जो प्रोफाइल रिव्यू करी जाएगी तो भाई आपको यहाँ पर 5 वीडियो टेम्परेरी बनानी ही बनानी है। 5 वीडियो से कम अगर आप बनाओगे तो भाई आपका यहाँ पर टिक नहीं लगेगा। तो भाई आपको 5 वीडियो बनानी है, 5 वीडियो में से कम एक वीडियो, एटलीस्ट 1 वीडियो होनी चाहिए मॉच के कैमरे से रिकॉर्ड। तो यहाँ पर इतना सब कुछ आप कर दोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपका सबमिट का बटन आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट। तो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ से कर लेना है बैक। अब सबमिट होने के बाद आपको कुछ दिखाई देंगे दिन, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरी जो प्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा इस पर मॉच फॉर क्रिएटर पे, तो भाई देखो यहाँ पर वेल बिगिन इन हाफ डन ऐसा कुछ करके लिखा होगा, मेरे पास अभी एक स्क्रीनशॉट पड़ा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हो एक्सप्लोर द क्रिएटर हब नाउ विल बी कंसीडर योर प्रोफाइल अगेन जस्ट 27 days। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मेरे पास 27 days वाला पड़ा है। तो यहाँ पर आपके कितने भी दिन हो सकते हैं, आप जैसे 5 दिन बचा होगा, आपके 2-3 दिन बचे होंगे, तो यहाँ पर आप उसी तरीके से आप देखते हो अपने स्तर से। तो आपको ये दिन दिए जाते हैं, 30 दिन दिए जाते हैं। तो उन 30 दिनों में आपको क्या करना है ताकि आपका रिजेक्ट ना हो, ताकि आप सेलेक्ट कर ले जाओ, मतलब कि अगर आप गलती कर दोगे तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाओगे, फिर से आपको दोबारा से 30 दिन मिलेंगे। तो बाय द वे यहाँ पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि भाई अब इस दिनों में आपको करना क्या है, जैसे ये दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको करना है मौज ऐप ओपन। तो मौज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हो जो मैंने किया था अपनी प्रोफाइल, मैंने क्या किया था, तो मैं यहाँ पर अपनी मौज प्रोफाइल पे डेली 3 वीडियो डालता था, जो कि मौज खुद कहता है। मौज से मैंने बात की कि मैं मौज पर कितनी वीडियो डालूं डेली, तो मौज ने बोला कि भाई 2, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा आपको डालने ही नहीं। मैं यहाँ पर 3 वीडियो डेली डाल देता था कंपलसरी थे। तो मैं 2 अपनी खुद की कैटेगरी में बनाता था, जो मैंने वहां पर सेलेक्ट करी थी फॉर्म भरने के टाइम, जैसे मैंने कॉमेडियन फन सेलेक्ट करी थी, तो मैं यहाँ पर 2 अपनी खुद की बनाता था, और एक मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग इवेंट जो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक इसमें आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। तो भाई मौज आपको इजीली सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पर ट्रेंडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे उन 30 दिनों के बीच में एक भी दिन, तो भाई आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप कोशिश करना कि रेगुलर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहना, जो ये इवेंट आपको देखने को मिले, डेली एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना, तो आप इजीली सेलेक्ट कर लीजिए, आपको दोबारा नंबर ही नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो भाई ये आपको काम करना, इतना भाई मैंने भी किया था। जो वो 30 दिन दे जाएंगे उसमें आपको बिल्कुल भी गैप नहीं लेना, आपको 80-90 वीडियो डाल देनी है, 2 अपनी खुद की और 1 इवेंट में डेली, और आपको मिनट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मंथली कमा सकते हो 20,000 रुपये तक, तो वो आपकी इंगेजमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी वीडियो के लाइक्स और व्यूज कितने आ रहे हैं। तो भाई आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो थोड़ा सा भी, तो भाई आप मुझे कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आईडी स्क्रीन पर शो होती रहेगी, वहां पर फॉलो करके मैसेज करोगे तो मैं वहां पर आपका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए।